पहाड़ समाचार की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान किया, तो बड़ी खबर आपको बता रहे। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का किया ऐलान। मंगलौर और बद्रीनाथ से बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बद्रीनाथ से राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए, जबकि मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान किया, तो दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ऐलान किया है। विकास चंद्रा हमारे साथ सहयोगी है, जुड़े हुए हैं फोनलाइन पर। विकास, दो उम्मीदवारों का ऐलान दो विधानसभा उपचुनाव को लेकर, जिसमें मंगलौर और बद्रीनाथ। जी बिल्कुल, दो विधानसभा में उपचुनाव होने थे, तो इसको लेकर के बीजेपी भी काफी मंथन चल रहा था, क्योंकि लोकसभा के परिणाम जो आए हैं उसके बाद बीजेपी में और इस बात की चिंता थी कि ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए जो विजयी रहे, क्योंकि तुरंत लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी नहीं चाहती है कि वहां किसी तरह का कोई उपचुनाव में नुकसान हो, क्योंकि उपचुनाव में नुकसान सरकार के खिलाफ भी जाता है और पार्टी के खिलाफ भी जाता है। तो बीजेपी का कहना है कि दोनों जो उम्मीदवार बनाए गए हैं ये जिताऊ उम्मीदवार हैं, सारे समीकरण इनके साथ हैं। तो हालांकि कई नामों पर पहले से अटकलें लग रही थी, लेकिन अब जो सूची आई है सामने, तो उसमें बद्रीनाथ से, जैसा आपने दर्शकों को बताया कि राजेंद्र सिंह भंडारी और मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को पार्टी ने मैदान में उतारा है, जो कह सकते हैं कि कई दिनों से एक सस्पेंस चल रहा था, तो आज बीजेपी ने उसको विराम लगा दिया और दो प्रत्याशियों के नाम को जारी कर दिया। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो बद्रीनाथ और मंगलौर से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। बद्रीनाथ से राजेंद्र सिंह भंडारी और मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना बीजेपी के उम्मीदवार, तो विधानसभा उपचुनाव और ऐसे में बद्रीनाथ और मंगलौर को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है।